देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ना तो हम अंगूठी पहनेंगे ना शादी की सालगिरह मनाएंगे। अब क्या करोगे मम्मी? हम सोच रहे हैं कि पूरा दिन हम घर पर ही न रहे। जब हम घर पर होंगे ही नहीं तो कैसे मनेगी शादी की सालगिरह? लेकिन हम इतना दूर भी नहीं जाना चाहते कि अक्षय पर नजर ना रख सके। हम उन पर नजर बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन पर खतरा अभी भी है। ठीक है मम्मी, तो मैं आपके रूम में कैमरास फिट करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। तुमको यकीन है ना ये काम करेगा? हाँ मम्मा, पक्का काम करेगा। ये बेबीज वाला कैमरा है, पेरेंट्स अपने बच्चों पे ना ध्यान रखने के लिए लगाते हैं ये कैमरा। एक मिनट, और ये मैंने ऐसी जगह फिट किया है ना कि किसी की नजर भी नहीं जाएगी, सिर्फ आप ही देख पाओगे आपके फोन से। ये लो, हो गया। वैसे तो तुम घर पे रहोगी लेकिन इस कैमरे से हमको बड़ी तसल्ली रहेगी। अच्छा बेटा, तुमने आशा को बोल दिया है ना, वो छोटी कियारा को लेती है, घर में छोटी छवि रहेगी ना तो इनको कहीं बाहर नहीं जाने देगी। हाँ मम्मा, वो बस कियारा को लाई रही होगी। अच्छा बेटा, छवि ने आशा से कोई बात की क्या? नहीं। हमको बड़ी चिंता हो रही है, हम जानते हैं कि ये छवि ना वीर से जरूर मिलेगी, फिर पता नहीं क्या होगा। हम जाकर छवि से बात करें क्या? अबो। ये क्या हो गया, ये इतनी जल्दी कैसे उड़ गए? जल्दी कर अबो। मैं कहाँ हूँ अबो? अबू को देखा? अबू वो कहीं है नहीं घर में। हाँ वो मार्केट गई है कुछ सामान लाने। बिना विश किए चलेगी एनिवर्सरी के दिन? यहाँ क्या है? कुछ नहीं, स्टोर रूम है, सामान है इसमें, फालतू का बस। देख लो एक बार। नहीं वो बहुत धूल मिट्टी है ना अंदर, और आप बीमार भी हो तो फिर भी देख। मजाक कर रहा हूँ। छवि थी वीर के बारे में कुछ बातें नहीं करना चाहती, मुझे तो उन्होंने देखा भी नहीं, मुंह पलट के सो गई। छवि किसी से बातें नहीं कर रही, इस वक्त हमें छवि के साथ होना चाहिए, और हमें ये शादी की सालगिरह से बचने के चक्कर में यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। वीर जैसा है तुम जानते ही नहीं। वीर ने रितिका के साथ बहुत बुरा किया था, उसे इतना मारता था बेटा। छवि, I'm sorry मां, तुमने उससे शक किया और आपसे ऊंची आवाज में बात की। सबूत है ना आपके पास? दिखाइए।
आप जानते हो हमें अपनी गलती का एहसास किसने दिलाया? हम बहुत नाराज थे, हमारा मूड भी बहुत अपसेट था, पर फिर हमें वीर ने समझाया। इसी ने हमसे कहा कि हमें अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, और इसी के कहने पर हम आपसे सॉरी कहने को आए। माँ, आपको पता है वीर ने हमें एक और बात बताई कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड रितिका और वीर के बीच में बहुत सारे इश्यूज थे। वो रितिका वीर से नहीं, उसके पैसों से प्यार करती थी। उसके पापा की पोजीशन और उनका स्टेटस, इसकी वजह से वो वीर के करीब आई थी। और जब वीर को उसकी असलियत का पता चला तो उसने रितिका से दूरी बनानी शुरू कर दी और फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो ये झूठी कहानी बताई है वीर ने छवि को। पर मां, रितिका बहुत चालाक थी, उसने पैसे इतने के दूसरे तरीके निकाल लिए। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसमें उसने खुद पर हमला करके खुद ही को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वीर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर जब वो तरीका काम नहीं आया तो उसने गुस्से में आकर उसी वीडियो को वीर के अगेंस्ट यूज करते हुए आप तक पहुंचा दिया। छवि ठीक कह रही है आंटी, और आई एम सॉरी, छवि ने आप पे शक किया। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने अंकल पे हमला किया तो अभी भी आप सबूत इकट्ठा कर सकती, और अगर आपको कोई सबूत मिलता है तो मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। माँ, अब तो आपको पता चल गया है ना कि वीर कितना अच्छा है। आप एक बार उस पर पूरी तरह विश्वास करके देखिए, आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। माँ, रहने दो छवि, हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त से पहले चीज कभी नहीं मिलती। वक्त से याद आया, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। क्या है ना आंटी जी, आपकी मेन प्रॉब्लम पता क्या है? आपकी बेटी जो मुझ पर आके बंद कर भरोसा करती, और इस भरोसे के चलते वो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती। सच आपको पता है, मुझे पता है, मैं उसे कभी सच बताऊंगा नहीं, पर आपकी बात को कभी मानेगी नहीं। आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स में ऐसा ही होता है, चाहे माँ बाप अपनी बेटी को कितना भी प्यार करे, वो सुनती है तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड की। आपकी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, जो मैं बोलूंगा वो सुनेगी, और मैं उसे कभी बताऊंगा ही नहीं। अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारा ये झूठा प्यार एक माँ के प्यार से ज्यादा बड़ा है तो तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ। हाँ, इस वक्त भले तुमने अपने प्यार की पट्टी बांध रखी है उसकी आंखों पर, जिस दिन ये पट्टी उतरेगी ना, हमारी बच्ची भागती दौड़ती हमारे पास ही आएगी। मुझे तो डर लग रहा है, उस दिन का इंतजार करते करते कहीं आप
ऊपर ही ना चले जाए। चलता हूं, ख्याल रखिएगा। हमें पूरा यकीन है कि उस रात अक्षर ने वीर का चेहरा जरूर देखा होगा जब वीर ने उन पर हमला किया होगा। छवि को वीर से अलग करने के लिए अक्षय की याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है। तुम्हारी एनिवर्सरी का सबसे बड़ा गिफ्ट बस तुम तक पहुंचने ही वाला है अपराजिता। बहुत कोशिश की थी ना इसने कि सच अक्षय के कानों तक ना पहुंचे और ये वही 20 साल पहले वाली अप्पू बनकर उसकी बाहों में खोई रहे। मेरी आवाज ना सही पर दुनिया की आवाज अक्षय तक पहुंच के रहेगी। सॉरी अप्पू, तुम्हारे अच्छे दिन यहीं खत्म होते हैं। ये आशा क्यों नहीं आई अभी तक? अगर कियारा आ जाए ना, इसी बहाने वो घर में रहेंगे। अगर बाहर निकलने का मौका मिला तो वो शादी की सालगिरह में लग जाएंगे जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। मामा सॉरी थोड़ा लेट हो गया, ये सो रही थी ना तो इसको रेडी करने में थोड़ा टाइम लग गया। हाय कियारा। हाय। तुम आ गई? तुम नींद में हो? तुमको याद है ना अंकल से क्या कहना है? मत जाओ ना, हमारे साथ खेलना। शाबाश, ठीक है जाओ। बेटा तुम अंदर ही रहना हाँ, कियारा को उनके साथ रखना और उनको बाहर मत जाने देना। अगर वो बाहर आएंगे तो ये शादी की सालगिरह में लग जाएंगे, फिर अचानक उनको पुरानी बातें याद आने लगेंगी जो उनके लिए ठीक नहीं होगा। मामा बिल्कुल टेंशन मतलब मैं और दिशु दी है ना, हम दोनों पापा को बाहर आने ही नहीं देंगे। शाबाश बेटा जाओ। अपराजिता हाय हाय, अपराजिता हाय हाय, अपराजिता हाय हाय। पर ये तो इसी मोहल्ले की है। अपराजिता हाय हाय, किसी और का पति चुराए हाय हाय। पर आप लोग हमारा सामान क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों हमारे सामान का नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि तुम मेरा इतना बड़ा नुकसान करने पर तुली हो इसलिए। मेरा पति मुझसे छीनकर मेरी शादीशुदा जिंदगी की धज्जियां उड़ानी है ना तुमने? अब देखो तुम्हारी जिंदगी की धज्जियां कैसे उड़ती हैं। हाय हाय, अपराजिता हाय हाय, किसी यार का पति चुराए हाय हाय, किसी मांग का सिंदूर चुराए हाय हाय, अपराजिता हाय हाय, किसी यार का पति चुराए हाय हाय। बनती तो बड़ी सती सावित्री हो और करम कैरेक्टरलेस औरत के। बाहर भोलेपन का नाटक और घर के अंदर पराए पति के साथ रात लीला। फोटो निकालो उसकी, ग्रुप में डालो सब लोग। निकालो फोटो, निकालो कैमरा जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, दुनिया को पता चला।
होना चाहिए। कितनी ड्रामेबाज है ये लॉन्ड्री वाली। खींचो फोटो जल्दी, सच्चाई सबको पता चले। यार ये अप्पू भी सुबह सुबह बिना विश के मार्केट चली गई। एनिवर्सरी आज हमारी, मुझे भी प्लानिंग करनी है। एक बार विश कर लेते तो मैं भी जाता ना, बाहर कुछ काम करके आता। अटका दिया है। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। आप हमारी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। तुम्हारी मम्मी एक औरत का घर बर्बाद कर रही है तो महिला समाज वाले का चुप बैठेंगे? मोहिनी के पति की याददाश्त क्या चली गई? ये फायदा उठा रही है उसका। बेइज्जती ऐसे जम के करो अपराजिता की कि वो शर्म के मारे ना घर के अंदर पैर रख सके और ना ही घर के बाहर। उस तमाशे की गूंज ऐसी हो जो सीधा अक्षय के कानों से होती हुई उसके दिमाग तक पहुंचे और उसे सब कुछ याद आ जाए। काम करो बेटा, तुम अंदर जाओ और देखना अक्षय बाहर ना आए। किसी भी तरह वो बाहर ना आए, इनको हम देखते हैं। नहीं माँ, हम इस सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं बेटा जाओ। इसी बात के पैसे दिए ना तुम्हें तो और जोर से हंगामा करो। जितना दम है आवाज में उतनी ऊंची आवाज में अपराजिता का तमाशा बनाओ ताकि ये शोर सुनकर अक्षय बाहर आ जाए। कमान सुनो, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेना। ये आवाज अंदर नहीं जानी चाहिए। म्यूजिक लगा देना लेकिन उनको बाहर मत आने देना। हम जानते हैं ये सब मोहिनी ने किया है, इसलिए अंदर ना जोर जोर से म्यूजिक बजाना ताकि उनको कुछ सुनाई ना दे। ठीक है? ठीक है। नहीं नहीं माँ, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ, 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 अंदर जाओ। ये तीर कमान से निकल चुका है अपराजिता, अब तुम इसे रोक नहीं पाओगी। अब ये तीर जाकर सीधा अक्षय की याददाश्त पर लगेगा और फिर उसे सिर्फ मोहिनी याद रहेगी और अपराजिता का वजूद पूरी तरीके से मिट जाएगा। दी, दिशु दी, दिशु दी, बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बहुत सारी आंटियां ऐसे इकट्ठा हो गई और मम्मी के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। आई थिंक ये मोहिनी आंटी का काम है। वे उसकी अक्कल ठिकाने लगा के आती, पलट कर जवाब नहीं देगी। आप प्लीज बाहर मत जाइए। मम्मा ने कहा है ना हमें पापा का ध्यान रखना है तो हमें घर पे ही रुकना पड़ेगा। हम बाहर नहीं जा सकते, हमें अंदर रहकर सब हैंडल करना होगा। एक हमारी बेटी है जो सावधान रहती है अक्षय को कोई तकलीफ ना हो, और ये मोहिनी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, हमारे बेटे के जान पे आ गई है। ये अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बेशरम औरत है, कम से कम इतना तो सोचा होता कि मोहिनी का पति बीमार है। अरे उसके पति की बीमारी का फायदा उठाकर खुद उसके साथ रहना चाहती है हमेशा। हम अक्षय के साथ रह नहीं रहे, उनका ख्याल रख रहे हैं। हम उनको उनकी यादों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। और मोहिनी ने खुद उनको यहाँ पर भेजा है। देखा देखा, फिर शुरू हो गया इसका नाटक। मैं कह रही हूँ ये मेरे अक्षय को कभी ठीक होने ही नहीं देगी, ताकि वो हमेशा के लिए इसके साथ रह जाए अपने पास्ट में। अपराजिता, हाय हाय, किसी और का पति चुराए, हाय हाय, अपराजिता, हाय हाय, अपराजिता, हाय हाय। क्या खुशबू? हेलो, क्या कर रही है गुड़िया? खेल रही हूँ, आप भी हमारे साथ खेलो ना। मम्मी हमारे साथ खेलो ना, खेलना नहीं मुझे। एक काम करते हैं, पापा और गुड़िया चलते हैं साथ में मार्केट, मम्मा को ढूंढ के लाते हैं और उनको सरप्राइज देते हैं। ठीक है, आ जाओ। हे भगवान, कितनी बेशरम औरत है ये।
किसी और के पति को कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। एक नंबर की मतलबी औरत है, मतलबी औरत। हम किसी का पति नहीं छीन रहे। जो भी कर रहे हैं इंसानियत के नाते कर रहे हैं। पति हमसे छीना गया था हमारा। उस दुख को, उस दर्द को हम जानते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि कोई और उस दुख से गुजरे। अपने बच्चों के पिता को बचा रहे हैं। अगर इन्हें आपने कुछ जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस हैं। अम्मा लेकर आता हूं मैं, आप पढ़ नहीं गई? वो क्लास थोड़ा लेट है अंकल। जरा अपू को लेकर आता हूं। अगर अपने बच्चों के पिता को बचाना मतलब ही होना होता है तो हाँ ठीक है, हमें मतलब ही।